Juve? Juvrol! हिम्मत कैसे हुई उसके पास आने की, उसे हाथ लगाने की? मेरी होने वाली बीवी है वो। तुझे अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाएगा, सबको धोखे में रख के ट्विंकल से शादी कर लेगा। ओवर स्मार्ट समझते ना खुद को, तेरी सारी डेयरी ना अभी यहां निकाल के गाड़ दूंगा। क्या हुआ, सांप सूख गया मुझे यहां देखकर? क्या ये सोच रहा है कि तेरे फुल प्रूफ प्लान बनाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे बच गया? फिर ये सोच रहे कि अपनी गुंडों की मदद से मुझे जो कब्र में दफनाया था उससे कैसे निकला? क्या? मुझे जान से मार देने का प्लान था इसका, ताकि मेरी जगह यहां मंडप पे ले ले, ट्विंकल से शादी कर ले, आप सबको धोखा देकर। लेकिन कहते ना, चाको राखे साया, मार सके ना कोई। ये तो उपाय गुरुजी की मेहर कि मेरा दोस्त सिट टाइम पर आ गया, वरना मैं मौत के मुंह से नहीं बच पाता और ट्विंकल इस जानवर से। क्या हुआ, चुप क्यों? बोलो बोलो। हाँ, सही कह रहे, यही किया था मैंने। हाँ, मैं कुंज को मार के ट्विंकल से धोखे से शादी करना चाहता था। लेकिन सो व्हाट, सो व्हाट, एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार में सब जायज है। और मैं ट्विंकल से बेहद प्यार करता हूं, नहीं देख सकता मैं उसे किसी और की बाहों में, किसी और की होते हुए। और आज अगर ट्विंकल की शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ। समझते क्यों नहीं हो यार, ट्विंकल मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। ये बात मैं तुझे कब से समझाना चाह रहा हूं, तुझे समझ में नहीं आ रही? आ गया बीच में हमारे रास्ते का कांटा बनके, छीन लिया मेरी ट्विंकल को मुझसे। अगर तू मेरे बीच में नहीं आता तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ बोल। पर नहीं, तुझे तो हीरो बनना था ना, मसीहा। और आज कुछ भी हो जाए, मैं ट्विंकल को पाके रहूं, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। आई थिंक अब मुझे माँ को सब कुछ सच बता देना चाहिए, ताकि यूवी के इस पागलपन से हम सबको मुक्ति मिल जाए। रे किस मिट्टी का बना है तू? हाँ, इतनी वार्निंग्स देने के बावजूद तू इस हद तक गया? रुकी, बार बार मेरी बेटी के बारे में झूठ बोलकर तू फाइनली हमें यकीन दिला देगा इसके बारे में? नहीं, मेरी बेटी तो तेनू पीछे मुड़कर भी नहीं देखती, और तू कहता है ये तुझसे प्यार करती है? सब समझती हूं मैं, तेरे और तेरी माँ की चाल है मेरी बेटी की शादी बर्बाद करने वास्ते। ये चाल नहीं, प्यार है। बंद कर अपना
ये नाटक। मैं सच बोल रहा हूँ बिल्ली। Shut up! कि मुझसे प्यार कर दिया ट्विंकल। बंद कर ना ये बकवास। अगर दोबारा तूने अपने मुंह से मेरे ट्विंकल का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी ट्विंकल नू अच्छी तरह से जानती हूँ, माँ हूँ मैं उसकी। अगर ऐसी कोई बात होती ना तेरे और उसके बीच में, सबसे पहले ये मुझे आकर बताती थी। और तेनो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, तू तो अनीता लूथरा का बेटा है ना। तुम दोनों माँ बेटे की जिंदगी की एक ही मकसद है, मेरी बेटी नू बर्बाद करने की। ऐसे नहीं बकता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ कि किसी की जिंदगी के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। तुझे हमारी बेटी मिली थी, उसके कैरेक्टर पर तूने उंगली उठाई और ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी शादी होने वाली है। बस यूवी, बस। बंद कर अपना ये पागलपन। बहुत देर से मैं चुप हूँ लेकिन आप चुप नहीं रह सकती। यूवी क्या हो गया तुझे? मनोज जी मैं जानती हूँ यूवी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, यूवी। लेकिन प्लीज मैं यूवी की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए प्लीज। अगर मुझे पता होता कि यूवी यहाँ आकर ये सब कुछ करने वाला है तो मैं इसे यहाँ कभी नहीं आने देती। प्लीज इसे माफ कर दीजिए प्लीज मनोज जी। इसकी बेवकूफी है, माफ कर दीजिए। बेवकूफी? तू इस हरकत को बेवकूफी का नाम दे रही है? पूरा सोचा समझा प्लान था इसका और अब मैं इसे माफ नहीं करने वाली हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चला था। अरे अगर सात फेरे हो जाते तो मेरी बेटी की जिंदगी तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती ना। कैसे माफ करूं मैं इसे? लीला, I agree कि यूवी ने बहुत बड़ी गलती की है। शायद इस गलती की कोई माफी भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं क्या करूं? इसके सर पे ट्विंकल का जुनून ऐसा सवार है कि ये पागल होता जा रहा है। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहा है। मैं क्या करूं? तू भी तो एक माँ है ना, तू तो जानती है ना कि बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। देख, आज जिंदगी में पहली बार अपने बेटे की तरफ से मैं तुझसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज इसे माफ कर दे, ये फिर ऐसा कभी नहीं करेगा। बस अनीता जी, ये इसके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद ये हमारे परिवार के आस पास भी दिखाई दिया ना, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझिए आप। रवि के लिए ना आप इसे लेके यहां से चल जाइए। गेट आउट। डैड ये सुधरने वालों में से नहीं। थैंक यू मनोज जी। चल यूवी चल। बम छोड़ो मुझे। चल यहां से यूवी। बम छोड़ो मुझे। चल। बम छोड़ी मुझे। ट्विंकल से शादी करके जाऊंगा। बम छोड़ी मुझे। आई लव ट्विंकल मॉम। मैं ट्विंकल से शादी करके यहां से जाऊंगा। आई लव यू ट्विंकल। और ट्विंकल भी मुझसे प्यार करती है, पूछिए उससे, पूछिए। वो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से चुप है, वो कौन से नहीं मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। और अगर मुझे ट्विंकल नहीं मिली ना तो मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा। आई लव यू ट्विंकल, आई लव यू। पागलपन बंद कर, चल मेरे साथ। तू क्यों नहीं समझता ये लड़ाई मेरे और लीला के बीच की है जो मैं खुद हैंडल कर लूंगी। लेकिन अपनी लड़ाई के चक्कर तेरी जिंदगी खराब होते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? तू क्यों नहीं समझता मेरी जिंदगी में तेरे अलावा और है कौन? अगर ये लोग तुझे पुलिस के हवाले कर देते ये तो सोचा होता कि मेरा क्या होगा।
आई डोंट केयर मॉम, आज अगर हम यहाँ से चले गए तो ट्विंकल की शादी कुंज से हो जाएगी और मैं इसे हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता मॉम, आई लव हर। मैं नहीं छोड़ूंगा इस कुंज को, तुम सबको बर्बाद करूंगा, सबको। यूवी, तुम सबने मेरी ट्विंकल मुझसे छीनी है ना, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। एक मिनट यूवी, आज मैं तुझे आखिरी बार ये बात साफ साफ बता रही हूँ और तू कान खोल कर सुन। मैं तुमसे अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी है। और कुन से शादी करना मेरा फैसला है, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। आई बात समझ में? अब यहाँ से दफा हो जा हमेशा के लिए। विवाह संपन्न हुआ, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बेटा बड़ों का आशीर्वाद। अरे चलो कुंज, पहले पहले गुरुजी का। सुखी रहो, खुश हो बेटा। जानती हो पुत्र, तेरे पापा के जाने के बाद मैं अक्सर सोचा करती थी कि जब मेरी ट्विंकल बड़ी हो जाएगी और अपने कार चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी, कैसे रह पाऊंगी उसके बगैर। फिर देखते ही देखते मेरी छोटी सी गुड़िया बड़ी होती चली गई और ऐ मेरे जीवन का ना सबसे बड़ा सपना बनता चला गया कि कब मैं अपने हाथों से अपनी गुड़ी नू दुल्हन के रूप में तैयार करूंगी, तेरे मांग में सिंदूर देखूंगी, कब तू किसी की पत्नी बनेगी, किसी के घर की बहू। आज मेरा ये सपना पूरा हो गया पुत्र। आज ना मैं सुकून की नींद सोऊंगी, हाँ, क्योंकि आज मेरी गुड़िया खुद अपना घर बसाने जा रही है। माँ ना पुत्र,
मैंनू बोल लेते आज पुत्र ऐ जो शादी की अग्नि है ना बहुत पवित्र अग्नि है इसके सामने ना कोई बुराई टिक नहीं पाती और आज तुम दोनों एक बहुत ही पवित्र बंधन में बन चुके हो इसलिए इस रिश्ते को ना बड़े प्यार बड़ी इज्जत और बड़ी सच्चाई से निभाना पुत्र कुछ पुत्र आज तक जो कुछ भी हुआ ना उसे एक बुरा सपना समझकर ना भूल जाना तू दरअसल गलती मेरी ही है आज एक माँ की दुश्मनी की वजह से एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी ऐ तो रब दी मेहर है पुत्र कि तू सही सलामत वापस आ गया मेरी ट्विंकल दे पास पुत्र आज तक मेरी वजह से तेनू जितनी भी तकलीफ हुई है ना उसके लिए मैनू माफ कर दे दमाद जी एक शर्त पे भूलूं आप डिसाइड कर लो कि मैं दामाद हूं या आपका बेटा बेटा फिक्र मत करें जो होता है ना अच्छे के लिए होता है कम से कम युवराज नाम का जो एक दाग था वो हम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया अब से ट्विंकल मेरी जिम्मेदारी आप चिंता मत करें ओके सासू एक शर्त पे मैं चिंता नहीं करूंगी तू पहले डिसाइड कर ले तू मैनू आंटी बुलाएगा या माँ और सासू माँ तू मैनू बिल्कुल मत बुला ले हाँ माँ एक मिनट है मैं अभी मनोहर जी गुरुजी विदाई का मुहूर्त हो चुका है अब हमें निकलना चाहिए जी गुरुजी लीला जी जी कुंजो ट्विंकल अपने रूम में जाकर 10 मिनट में फ्रेश होकर वापस आ जाएं तो फिर हम रिजॉर्ट के मंदिर में मिलते हैं और विदाई की रस्म लीला जी हम वहीं करेंगे और उसके बाद हम सीधा अमृतसर जाएंगे बिल्कुल ठीक है जी चिंकी तू और बबली ना ट्विंकल ने उसके कमरे में लेकर जा और उसे फ्रेशन अप होने दे जा पुत्र हां मुझे आपसे कुछ बात करनी है ओए पुत्र आराम से बैठकर बात कर लेंगे विदाई का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा पुत्र तू जा छेती छेती ना फ्रेशन अप होकर आ जा ले जा मुझे माँ को सच बता देना चाहिए था उन्हें तो आज तक यही लगता है कि यूवी मेरे पीछे पड़ा था वो भी अनीता आंटी की उनसे दुश्मनी की वजह से मगर वो ये नहीं जानती कि कभी मैं भी यूवी से प्यार करती थी जितना गुनहगार वो है उतनी मैं भी हूँ कि मैंने आपसे सच छुपाया आज भी उन्होंने सिर्फ उसकी साइड सुनी और विश्वास नहीं किया लेकिन अब मैं ये बात अपने तक और नहीं रख सकती माँ सच तो यह है कि गलती आपकी बेटी की भी है मैं यूवी से प्यार किया और आपसे छुपाया आज मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सच से करूँगी मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी माँ आज मेरी विदाई से पहले मुझे अपनी शादी से पहले की हुई सारी गलतियों को भी अलविदा कहना होगा मुझे माँ को यूवी के बारे में सब कुछ सच बताना होगा लेकिन मैं कैसे बताऊं मैं क्या करूं
बाबा जी, मैं आपको सब कुछ बताने तो जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है बाबा जी, प्लीज मेरी माँ को शक्ति देना मेरी सच्चाई सहन करने की। आई जस्ट होप सच जानने के बाद माँ मुझे बस माफ कर दे। प्लीज हेल्प मी बाबा।